आज कृषि महोत्सव के अंदर पधारे भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री, बाड़मेर में किसान के बेटे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास के पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में कृषि और पशुपालन मंत्री, खुद किसान के बेटे हैं श्री लालचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के सहकारिता मंत्री, हमारे पड़ोस के जिले के चित्तौड़ से निवाड़ा से आए आदरणीय उदयलाल अंजना जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और यहां पर पधारे मेरे हाड़ोती के किसान पुत्र, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से अन्न उत्पादन करके हम सबका पेट भरने का काम किया, वह सभी अन्नदाता को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत एक किसान और कृषि प्रधान देश है और इसीलिए हम कहते हैं सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करने का काम कर रहा है, खेत पे खड़ा होकर किसान चाहे टिटुड़ती ठंड हो, तपती गर्मी हो, बरसात हो, अन्नदाता के रूप में अन्न उत्पादन कर इस भारत को कृषि पर आत्मनिर्भर बनाने के अपने लक्ष्य और संकल्प को पूरा कर रहा है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं। एक समय था जब भारत के अंदर हमें कृषि के खाद्यान्न, खाने के गेहूं से लेकर चीजें दुनिया के विकसित देशों से मंगानी पड़ती थी, लेकिन आज भारत के इन्हीं किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ हरित क्रांति करने का काम किया और आज हम अन्न उत्पादन में दुनिया के अंदर सबसे बड़े देश के रूप में हैं। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, हमें अनवरत और प्रयास करने की आवश्यकता है। हमने कृषि में कई परिवर्तन किए, नवाचार किए, लेकिन इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, नए नवाचार के अंदर हमें दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर श्वेत क्रांति के रूप में, दूध उत्पादन के रूप में, मछली उत्पादन के रूप में, अन्य क्षेत्रों के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी आधुनिक विरासत का उपयोग करते हुए, नए आधुनिक तंत्र का उपयोग करते हुए हमें दुनिया के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बनना है। और मेरा दावा है दुनिया के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूत अगर रीढ़ की हड्डी है तो मेरे किसान भाई हैं। मैंने देखा था कोरोना के समय जब देश के अंदर लॉकडाउन था, किसान का बेटा शहर में नौकरी करता था, 15,000-20,000 की नौकरी करता था, जब दुकान बंद हो गए, प्रतिष्ठान बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया तो गांव से गया सीधा
अपने खेत खलिहान में और वहां पर दो राइंड के रोटी का इंतजाम उसका वहां पे। यह अन्नदाता की ताकत है कि हर सेक्टर के अंदर उत्पादन कम हो गया, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर इस भारत के किसान ने अन्नदाता के रूप में अन्न उगाकर पेट भरने के अन्न की कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि 80 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री जी ने अन्न निःशुल्क देकर पेट भरने का काम किया, तो मेरे किसान भाइयों के कारण किया। लेकिन साथियों, अभी हमें और परिवर्तन के दौर पर करना है। यह बदलता भारत है और बदलता भारत और आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हमारे किसान दुनिया के अंदर हो रहे नवाचार, नई तकनीकी, नई कृषि परंपराएं, उन परंपराओं का उपयोग करते हुए कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन, लागत कम, और फिर उत्पादन के बाद उसका प्रोसेस कर उसका वैल्यू एडिशन कर देश और दुनिया के बाजार में बेचने का काम जब तक हमारा किसान पूरा नहीं कर लेगा, जब तक हमारा अनवरत काम चलता रहेगा। और इसीलिए आज मैं दिल्ली के अंदर जब कृषि मेला देखने गया तो उस समय मेरे साथ कैलाश जी थे। मैंने कहा ये हर किसान को पता होना चाहिए कि हमारा जो नौजवान है, जो नया स्टार्टअप जिसने बनाया है कृषि के अंदर, जिसकी बौद्धिक क्षमता, रिसर्च की, इनोवेशन की जो क्षमता है, उसका उपयोग देश और प्रदेश कर किसान को मिलना चाहिए। और मैंने आज देखा स्टार्टअप के रूप में, अब आप एक एक जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन स्टार्टअपों के माध्यम से हमने जहां पर लागत को कम करने का काम किया है, वहां उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग के बाद उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया है। यह हाड़ौती वह धरती है जहां की जमीन सबसे उपजाऊ है। यहां पर चंबल नदी है, पार्वती है, काली सिंध है, जितना पानी भारत के अंदर किसी इलाके में होगा उससे ज्यादा पानी यहां पर है, लेकिन आधुनिक खेती करने की परंपराएं कम है। यहां का धनिया देश में दुनिया के अंदर महक फैलाता है। यहां बासमती का चावल, जब मैं नीदरलैंड गया तो मैंने पूछा सबसे बढ़िया चावल कौन सा है, तो उन्होंने कहा राजस्थान में बूंदी से। मेरा सीना गर्व से उठा। मैं जब दुबई में गया तो मैंने मसाला इंडस्ट्री वालों से पूछा कि धनिया कहां से आता है, कि धनिया तो कई जगह से आता है लेकिन जो महक और चमक है वह कोटा रामगंज मंडी की है। यह हमारी ताकत है, यह हमारा लहसुन जो दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया लहसुन पैदा होता है, लेकिन कभी किसान को मिलता है 80 रुपया, कभी मिलता है 8 रुपया। हमारे मन में पीड़ा होती है कि आखिर इतनी मेहनत से उसने लहसुन उगाया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप इन स्टार्टअप मेलों से देखोगे कि किस तरीके से आप लहसुन को 2 साल 3 साल रखकर जब उसका भाव आएगा प्रोसेसिंग के बाद उसको बेचने का काम करेंगे। अभी मैंने एक स्टार्टअप देखा, उस स्टार्टअप में जो हमारे फलोद्यान होते हैं, जो उसका जूस निकलता है, जूस के बाद उसका कल्ट निकलता है, उसकी चॉकलेट देखी, और उसके बाद उस जूस को आप मानकर चलोगे 2 साल तक उसकी छोटी पैकिंग के अंदर उसको जूस को रख सकते हो। ऐसे कई सारे स्टार्टअप है। ये ड्रोन देखा है, अब गया जमाना किसान के अंदर लोग खुद खेती करना छोड़ गए, आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आ जाते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर लेते हैं। अब आने वाले समय के अंदर लागत कम करने के लिए इस ड्रोन से आप बीज डाल सकते हो, जो पेस्टिसाइड कई कीड़ा लगाने लगा एक साथ पेस्टिसाइड कर देते हो,
ये ड्रोन देखेगा कहां कहां बीमारी है, वहीं पत्ती पर पेस्टिसाइड डालने का काम करेगा। और ये ड्रोन की कीमत कितनी है? ये ड्रोन की कीमत आने वाले समय के अंदर अभी भी 90% सब्सिडी है। 10 लाख का ड्रोन है, 1 लाख का ड्रोन मिलेगा। किसान में हम बांट बांट कर करेंगे तो हर दूरी पर ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी उपयोग करने लगेंगे। ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं और इन स्टार्टअप को देखने के बाद ही मेरी इच्छा हुई कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, इस हाड़ौती के अंदर, कृषि उत्पादन के अंदर देश और दुनिया के अंदर सबसे आगे रहे तो यह हाड़ौती का क्षेत्र का रहे। यहां का किसान, किसान का बेटा जो यहां से पढ़कर गांव में जाता है, 10,000-15,000 की नौकरी ढूंढता रहता है, एक समय आए जैसे लालचंद कटारिया जी के इलाके में मैंने देखा कि 18 बीघा के अंदर व्यक्ति 2 करोड़ रुपए कमाता है। यहां पर कभी भी आदमी पशुपालन का काम भी नहीं करता, यहां पर घास चराने बाड़मेर से आपके लोग आते हैं, लेकिन यहां का व्यक्ति पशुपालन नहीं करेगा। मैंने पिछली बार पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड भी लगाया था, वित्त मंत्री जी आई थी, उस समय मैंने कहा था एक दिन समय लगेगा लेकिन इस इलाके के अंदर श्वेत क्रांति लेकर ही आएंगे। और श्वेत क्रांति के साथ जो मैंने प्रोसेसिंग प्लांट देखे यहां पर, आप भी देखे जाना किस तरीके से दही बना, मक्खन बना, छाछ बनी, आइसक्रीम बनी। आने वाले समय के अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट, ताकि उसका वैल्यू एडिशन होगा, जब किसान की लागत भी मिलेगी और दाम भी मिलेगा। अभी मैं बूंदी के अंदर एक सब्जियों को प्रोसेस कर उसको प्रिजर्व करने का काम चलता है। मैंने उससे पूछा कि अपने यहां सब्जियां बहुत होती है, उन्हें कहा कि जितनी मुझे सब्जियों की आवश्यकता है, चाहे मटर की आवश्यकता हो, चाहे गाजर की आवश्यकता है, उसकी 10% अभी कृषि की अंदर मुझे सब्जियां मिलती है। आप यहां से चले जाओ अर्जुनपुरा के अंदर, आप चले जाओ गिरधरपुरा के अंदर, जब अर्जुनपुरा के, गिरधरपुरा के किसान की आबंदी को आप देखोगे कि एक बीघा के अंदर वो 20,000-25,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 40,000 रुपए लगेगा, और एक किसान एक बीघा के अंदर 2,000-3,000, कभी आपदा संकट आ जाए तो वह भी संकट। अब ये परिवर्तन हम शहर के एक हिस्से के दूसरे हिस्से की जमीन में देख रहे हैं, हम क्यों नहीं? मैंने पिछली बार कहा कि मैं 1 लाख फल उद्यान दूंगा, इस बार मैंने लक्ष्य किया है कि हर विधानसभा के अंदर 1 लाख फल उद्यान लगाएंगे, और उसके साथ जो उसका फल उद्यान के बाद उसका नींबू आएगा, अमरूद आएगा, आंवला आएगा, जो भी बेर आएगा। अब बेर की मैंने देखे भी कि उस बेर का प्रोसेसिंग होता है, उस आंवले की प्रोसेसिंग हो रही है, ये सब प्रोसेसिंग के साथ अगर हम फलोद्यान करने लगेंगे, मेड़ पर पेड़ लगाने लगेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। मेरे किसान भाइयों, जब तक मेरे किसान भाइयों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक युग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और मेरा मानना है, मुझे पीड़ा है, दर्द है मुझे, कि मेरे किसान की आमदनी बढ़ना ही चाहिए। मेरा किसान का बेटा 10,000-15,000 रुपए में दुकान पे, ड्राइवरी पर नौकरी करता हुआ शहरों में नजर नहीं आए, वह गांव में रहकर 1 लाख रुपए की आमदनी करता हुआ नौजवान नजर आए। ये ताकत हाड़ौती के किसान की पैदा करनी है। मुझे लगता है कि कई बार मैं सपना देखता हूं, लेकिन सपनों को सच करने के लिए उतनी ऊर्जा भी है, उतना सहयोग भी आपका है। जो कुछ भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की संसद में बैठकर इन माननीय मंत्रियों को बुला बुला कर ये कहता हूं कि मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कैसा नया एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे बीज आए, कम पेस्टिसाइड उपे, जैविक खेती के रूप में क्या हो सकता है, इन सब से चर्चा करने के बाद जो परिणाम निकलता है उसके लिए किसान मेला लगाते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर मेरा आपसे ये निवेदन है
कि ये स्टार्टअपों को देख कर जाए, कृषि वैज्ञानिक आए उनके प्रसिशन को समझें, क्या नया बीज आया है, कितनी पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, कैसे अपनी मिट्टी को की जांच करना चाहिए, ये सारे काम हमें सीख कर जाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज भी है कल भी है, कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भी आएंगे, हर किसान हर नई चीज का अपने प्राकृतिक रूप से जो उसने परंपरागत रूप से खेती की है उस परंपरागत खेती और आधुनिक खेती को मिलाकर नए आविष्कार करने का काम करें और उदाहरण पेश करें। दुनिया के लोग, देश के लोग हाड़ौती के खेतों को देखने आए, ये सपना मैं देखना चाहता हूं। हम पशुपालन के रूप में डेयरी को देखने आए, ये मैं देखना चाहता हूं। डेयरी के बाद प्रोसेसिंग प्लांट, उसके बाद अन्न का उत्पादन हो, उसके बाद अन्य उत्पादन हो, उसके वैल्यू एडिशन के काम को देखने के लिए दुनिया के लोग यहां पर आए। जो भी देश और दुनिया में कहीं जाता हूं, मैं पिछली बार जब मैक्सिको गया तो मैंने मेरे एम्बेसडर से कहा मुझे कृषि विज्ञान केंद्र जाना है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर पहली बार गेहूं की नई बीज का उत्पादन की आविष्कार हुआ था। मैंने मैक्सिको गया तो उस मैक्सिको के अंदर, उस अन्न के अंदर गेहूं की नई बिल्ड पे बीज पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था? वह था भारत का वैज्ञानिक जो आजाद हो फिंच का एक सैनिक था, जहाज में बैठकर गया था कुली के रूप में और कैलिफोर्निया होते हुए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा वैज्ञानिक और डायरेक्टर बना। ये भारत की ताकत है और यही भारत की ताकत मैंने दुनिया के अंदर देखी है। दुनिया के जितने भी देश में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, वहां किसान मिलेगा तो भारत का मिलेगा। इसलिए भारत के किसान की ताकत बहुत बड़ी है, भारत के किसान की ऊर्जा बहुत है, काम कठिन परिश्रम की ताकत है। इसलिए किसान भाइयों यहां पर आए, कल अपने भाइयों को और लेकर आओ, हर स्टार्टअप पे जाओ, हर स्टॉल पे जाओ, चीजों को समझो और जो समझ में आए उसको कैसे आज से उपयोग करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं। पैसे धन की कोई कमी नहीं आएगी, हम सब मिलकर यहां पर नए स्टार्टअप के माध्यम से आधुनिक नई खेती कर कृषि विज्ञान के रूप में, कृषि केंद्र के रूप में एक नया युग की शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से कैलाश जी को, तो हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं लालचंद कटारिया जी को और विशेष रूप से उदयलाल अंजना जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी एक सोच बनाई है कि आने वाले समय हर ग्राम पंचायत पे गोडाउन होगा, हम पंचायत के सहयोग हम करेंगे ताकि हम यहाँ पर गोडाउन को संचित कर जब माल की कीमत कम हो, जब गोडाउन में रखो, जब ज्यादा हो तब उसको बेचने का काम करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।